नमस्कार, आप लोग अब फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है संकुरात मिश्रा। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल एक एडुकेशनल चैनल है। जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ एडुकेशनल पर्पज से ही अपलोड करता हूँ, जिनमें पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जानकारी आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम से अगर आप लोग गो थ्रू कर रहे हैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। सीनियर सिटीजन्स, कॉमन सिटीजन्स का जो बेसिक बेनिफिट्स एंटलमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, इवन वेरियस स्टेट गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, इनके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग एफिडेविट के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। एफिडेविट के ऊपर मेरा ऑलरेडी वीडियो पब्लिश किया गया है, जहां पर डेट ऑफ बर्थ करेक्शन का एफिडेविट और नेम चेंज का करेक्शन का एफिडेविट भी मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आप लोग आई बटन के थ्रू उस वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं और वहां से आप लोगों को नॉलेज मिल सकता है कि एफिडेविट का ड्राफ्टिंग कैसे होना चाहिए और एफिडेविट किस कोर्ट्स के बिफोर करना चाहिए। तो दोस्तों, एफिडेविट का मीनिंग है शपथ पत्र या हलफनामा, जो भी आप लोग कहेंगे। दोनों डिफरेंट जगह एप्लीकेबल होते हैं। जैसे शपथ पत्र हम लोग ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिसेस में अपना कोई निजी कारण से जब एफिडेविट कराते हैं तो इनको शपथ पत्र कहा जाता है, और हलफनामा लीगल केसेस में, लीगल डिस्प्यूट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सबमिट करते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में एंड पेंशन रिलेटेड केसेस में एफिडेविट एक कॉमन चीज है, जहां पर मोर और लेस सभी प्रकार कर्मचारियों को, पेंशनर्स को एफिडेविट वेरियस टाइम पे, वेरियस ओकेजन्स पे सबमिट करना पड़ता है डिपार्टमेंट में। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड एफिडेविट का इतना रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि ड्यूरिंग सर्विस पीरियड गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो भी अपने परिवार के जो डिटेल डिपार्टमेंट को देते हैं वो टाइम टू टाइम वो मॉडिफाई भी कर सकते हैं और रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं कि एफिडेविट का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजर केसेस में एफिडेविट का रिक्वायरमेंट होता है, चाहे वो इन सर्विस हो और आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सर्विस भी हो। तो दोस्तों, मेनली जिस कारण से हम लोग एफिडेविट करवाते हैं, देखिए, अपना निजी नाम के परिवर्तन करवाने के लिए, स्पाउस के नाम पे परिवर्तन करवाने के लिए, डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करवाने के लिए, अपने जो चिल्ड्रन है उनके नाम पे डेट ऑफ बर्थ में परिवर्तन करवाने के लिए हम लोगों को एफिडेविट करवाना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, एफिडेविट नोटरी से भी आप लोग करवा सकते हैं और एफिडेविट फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी आप लोग करवा सकते हैं, मगर वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट क्या चाहता है। जहां तक रूल है कि अगर आप नेम ओनली नेम चेंज करवाता है और ओनली डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाता है, तो वो नोटरी पब्लिक के बिफोर एफिडेविट करवाने से काम चल जाता है। मगर आप लोगों को अगर नेम उसके साथ साथ डेट ऑफ बर्थ भी चेंज करवाना है, तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बिफोर शपथ पत्र दाखिल करना पड़ता है और उसको अपडेट करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपका एफिडेविट के सब्जेक्ट के ऊपर। दोस्तों, एफिडेविट के ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है, किस तरह का यहाँ पर डिक्लेरेशन होगा और किस तरह का जो बयान होगा इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो से आप लोग गो थ्रू कर ले सकते हैं। आज के जो टॉपिक होंगे, आज हम लोग जानेंगे कि एफिडेविट अगर आप लोगों को लोकल न्यूज़पेपर में देना है तो उसका फॉर्मेट कैसा होगा और उसका कारण क्या है। दोस्तों, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जो भी बेनिफिट्स है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को आफ्टर द रिटायरमेंट मिलने वाला होता है और उनके एब्सेंस के बाद जो परिवार के परिजनों को मिलने वाला होता है, इस केस डिपार्टमेंट बहुत ही ध्यान से काम करता है। बहुत सारे केसेस में बहुत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो जाता है और बहुत सारे जगह फॉल्सिफाई के दौरान डिपार्टमेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन दिस रिगार्ड बहुत सारे डिपार्टमेंट ये तय किया है कि ओनली एफिडेविट एज ए डिक्लेरेशन वो लोग नहीं लेंगे, एफिडेविट को लोकल न्यूज़पेपर में सटवाना है, एफिडेविट को लोकल न्यूज़पेपर में नहीं तो गैजेट नोटिफिकेशन में लाना है। बाद में वही न्यूज़पेपर को आप लोगों को सबमिट करना होता है डिपार्टमेंट में, तब जाके वो एफिडेविट वैलिड माना जाता है। दोस्तों, एफिडेविट का जो बयान होता है वो अमूमन और नेचुरली इंग्लिश में ही होता है। ये आप लोग लोकल और रीजनल न्यूज़पेपर में भी प्रिंट कर सकते हैं, नोटिस पे ला सकते हैं, पर कंडीशन नहीं है। अगर आप लोग लोकल न्यूज़पेपर में, रीजनल न्यूज़पेपर में ये पब्लिश करते हैं, तो जब आप लोग ये सबमिट करेंगे तो ऊपर में आप लोगों को इंग्लिश में उसका पब्लिकेशन डेट, न्यूज़पेपर का नाम के साथ साथ वो जमा देना है, जहां पर आप लोगों का सिग्नेचर भी होना है, वो भी इंक साइन। दोस्तों, इंक साइन का मतलब आपको पेन से ही साइन करना है, यहाँ पर कोई पेंसिल का यूज नहीं करना है। तो दोस्तों, हम लोग आज जानेंगे कि अगर न्यूज़पेपर में आप लोगों को एफिडेविट पब्लिश करना है तो उसका बयान कैसा होगा।
और डिपार्टमेंट कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज और पूरी प्रक्रिया में एक क्लैरिटी रखने के लिए ये न्यूज़पेपर एफिडेविट मांग लेते हैं, ताकि फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड किया जाए। और अगर कोई दूसरा एलिजिबल क्लेमेंट यहाँ पर मौजूद है तो वो लोग ऑब्जेक्शन रेज कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधे स्क्रीन पे जाएंगे और देख लेंगे कि न्यूज़पेपर एफिडेविट का बयान कैसा होगा। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। तो दोस्तों, यह है आपके शपथ पत्र का न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का बयान। यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज अलग अलग तरह का बयान कैसे होता है। पहले ही अगर आप अपने नाम का चेंज न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट डालना चाहता है तो यहाँ पर बयान कैसा होगा। आई एग्जिस्टिंग नेम एज पर सर्विस डॉक्यूमेंट्स, आपके अभी सर्विस डॉक्यूमेंट नाम क्या है, सोन ऑफ आपके पिता का नाम देना है, रेसिडेंट देना है, आपका एड्रेस देना है। चेंज माई नेम फ्रॉम पहले का नाम दीजिएगा, एग्जिस्टिंग नेम एज पर योर सर्विस डॉक्यूमेंट दीजिएगा। उसके बाद आपको प्रपोज्ड एडोप्टेड न्यू नेम दीजिएगा। वाइड एफिडेविट डेटेड, कौन तरीको आपने एफिडेविट किया था और किस प्लेस में किया था, मतलब कौन से कोर्ट में किया था, वो भी आपको यहाँ पर देना है। ये गया आप लोगों का निजी नाम परिवर्तन का एफिडेविट। उसके बाद अगर आप लोग स्पाउस के नाम चेंज करवाना चाहता है, इन दिस रिगार्ड न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, तो देखिए बयान कैसा होगा कि आई एग्जिस्टिंग नेम ऑफ स्पाउस, यहाँ पर स्पाउस का अभी सर्विस रिकॉर्ड में क्या नाम है वो देना है। स्पाउस ऑफ आपके नाम देना है, नेम ऑफ हस्बैंड जो सरकारी कर्मचारी थे या अभी पेंशनर है उनका नाम देना है। रेसिडेंट ऑफ उनका एड्रेस देना है, अभी कहाँ रह रहे हैं। चेंज माई नेम फ्रॉम पहले का नाम देना है, एग्जिस्टिंग नेम जो सर्विस रिकॉर्ड में है, और अभी टू प्रपोज्ड एडोप्टेड नेम देना है। यहाँ पर वाइड एफिडेविट डेटेड, डेट देना है किस तारीख को आपने एफिडेविट किया है, कहाँ पर कौन सा कोर्ट पे आपने एफिडेविट किया है, वो दे देना है दोस्तों। उसके बाद न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, आपके एडल्ट सॉन और डॉटर है उनके नाम पर परिवर्तन आप लोग चाहते हैं, इन दिस रिगार्ड जो एफिडेविट आपने किया है वो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है, तो डिक्लेरेशन और बयान कैसा होगा। यहाँ पर आपके बेटे और बेटी जो भी है वो यही लिखेगा कि आई एग्जिस्टिंग नेम एज पर सर्विस डॉक्यूमेंट, उनका नाम जो भी आपके सर्विस डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर देना है। सॉन और डॉटर ऑफ आपके नाम यहाँ पर देना है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर जो भी है, सर्विस डॉक्यूमेंट जो भी है पीपीओ उनमें अभी आप उनका नाम क्या है, रेसिडेंट ऑफ उनका एड्रेस फुल यहाँ पर देना है। हैव चेंज माई नेम फ्रॉम जो आपके एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में, सर्विस रिकॉर्ड में नहीं तो पीपीओ में है, वो नाम पहले दीजिएगा। टू प्रपोज्ड और एडोप्टेड न्यू नेम, क्या उनके नाम होने वाला है वो यहाँ पर बैठाना है। उसके बाद वाइड एफिडेविट डेटेड, कौन सा डेट में एफिडेविट हो रहा है और कौन सा कोर्ट में ये हो रहा है वो भी यहाँ पर देना है। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके लड़का अथवा लड़की माइनर है, वो 18 से नीचे है, तो यहाँ पर ऑन बिहाफ ऑफ योर सॉन और डॉटर आपको यहाँ पर एफिडेविट का हलफनामा देना है, आपको यहाँ पर एफिडेविट का शपथ पत्र देना है। यहाँ पर बयान कैसा होगा दोस्तों। आई एग्जिस्टिंग नेम एज पर सर्विस डॉक्यूमेंट्स और पीपीओ, आपका सर्विस रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स नहीं तो पीपीओ में जो भी नाम है वो आपका नाम डालिए, रेसिडेंस और आपका पूरा एड्रेस दीजिए। हैव चेंज माई माइनर सॉन डॉटर्स नेम फ्रॉम एग्जिस्टिंग नेम ऑफ सॉन डॉटर एज पर पीओ सर्विस रिकॉर्ड, जो भी आपके सर्विस रिकॉर्ड और पीओ और में जो भी आपके सर्विस रिकॉर्ड नहीं तो पीपीओ में जो भी नाम एग्जिस्टिंग है वो नाम क्या है। टू क्या नाम आप लोग चेंज करना चाहता है। टू प्रपोज एडोप्टेड न्यू नेम यहाँ पर बैठाना है। उसके बाद वाइड एफिडेविट डेटेड, कौन सा तारीख में एफिडेविट करवा रहे हैं और कौन सा प्लेस में कौन सा कोर्ट में ये एफिडेविट हो रहा है वो भी यहाँ पर देना है। यही रहा एफिडेविट का बयान, जो अगर आप लोगों को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना है, यही कनेक्शन में आप लोगों को बयान रेडी करना है। एफिडेविट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग कोई भी तरह का सॉफ्ट कॉपीज अगर आप लोगों को चाहिए तो कृपया मुझे ईमेल कीजिए और आप लोगों का ईमेल आईडी भी कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कीजिए। मैं अवश्य इनका सॉफ्ट कॉपीज आप लोगों को भेज दूंगा और आने वाले दिन में पेंशन, फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी जानकारी आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। तो कृपया मेरे चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।